देखिए, सरकार को मजबूर करना केवल इसमें नहीं होता है कि आप जो डिमांड कर रहे हैं वो कितनी मानी जा रही है। सरकार को मजबूर करना इसमें भी होता है कि आप जो विषय उठा रहे हैं उस पे सरकार कितनी घिर रही है। आज 1.5 महीना हो गया है, पूरे देश को मालूम पड़ रहा है कि सरकार किस तरह बेशर्मी के साथ अडानी के पक्ष में खड़ी है। पूरे देश को ये मालूम हो रहा है कि ऐसी ऐसी कंपनियां हैं जिसके बारे में अडानी जी कहते थे कि विनोद अडानी की कंपनियां हैं, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। और अब डॉक्यूमेंट सामने आ रहे हैं जो साबित कर रहे हैं कि वो विनोद अडानी जी और अडानी जी का स्पष्ट रूप से आपस में संबंध है, और सेबी से उन्होंने झूठ बोल के ये बातें छुपाई थी, जनता से, शेयर होल्डरों से ये बातें छुपाई थी। ये पूरा देश अब धीरे धीरे देख रहा है, पूरा देश देख रहा है कि ऐसी ऐसी कंपनियां हैं एक्रोपोलिस जैसी, जिसमें एक साल में 2020-21 के अंदर 51,400 करोड़ का रेवेन्यू और मुनाफा होता है, विनोद अडानी की कंपनी है, और अगले साल वो जीरो पे आ जाता है रेवेन्यू, जीरो रेवेन्यू। दुनिया में कौन सा ऐसा बिजनेस है जहां पे बिना कुछ किए 51,000 करोड़ का रेवेन्यू आता है और फिर उसके बाद वो रेवेन्यू जीरो हो जाता है? ऐसा कौन सा दुनिया का एक कंपनी पूरी दुनिया में बता दी जाए जहां पे बिना कोई काम किए 51,000 करोड़ का रेवेन्यू हो और अगले साल वो रेवेन्यू किसी को ट्रांसफर हो जाए, वो पैसा, और पैसा आपका रेवेन्यू जीरो हो जाए। ये देश देख रहा है। तो जो विपक्ष की स्ट्रेटेजी होती है वो इस सच्चाई को सामने लाने में होती है। वो सच्चाई जेपीसी की हम डिमांड क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम एक लोकतंत्र के अंदर हैं। लोकतंत्र के अंदर राजनीतिक पार्टियां, उनके अंदर एक्सपर्ट्स होते हैं। वो एक्सपर्ट्स जो बात स्टडी कर सकते हैं, वो कोई सुप्रीम कोर्ट की कमेटी नहीं कर सकती है, वो कोई सरकारी कमेटी नहीं कर सकती है, क्योंकि जेपीसी के पास पावर होती है किसी को बुलाने की। जेपीसी के पास पावर होती है तमाम कागजातों को मंगाने की, जितने डॉक्यूमेंट्स अडानी की कंपनी से जुड़े हैं, जितने डॉक्यूमेंट्स उनके टेंडर से जुड़े हैं, जितने डॉक्यूमेंट्स उनको जो फंडिंग्स हुई हैं, जो लोन मिले हैं, जो उनको दूसरी कंपनियां उनके हवाले की गई हैं, बड़े बड़े कर्जे माफ करके, हेयर कट करके, एनसीएलटी के थ्रू, वो तमाम जानकारियां जेपीसी को कागज के रूप में पहुंचती है। और जेपीसी के अंदर जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो उसको स्टडी करते हैं और दूध का दूध पानी का पानी करते हैं। और जेपीसी वो मैकेनिज्म है, देश ने देखा कि हर्षद मेहता का स्कैम हो या 2008 का स्कैम, 2002 का स्कैम हो, दोनों बार जब जेपीसी बनी थी शेयर मार्केट की, तो सही मुद्दे तक देश के लोग पहुंचे थे और उसकी वजह सुधार भी हुआ था। उसकी वजह से इस देश का जो स्टॉक मार्केट है, जो स्टॉक मार्केट की व्यवस्थाएं हैं, वो पारदर्शी हुई थी, वो मजबूत हुई थी। तो जेपीसी केवल इसलिए नहीं होती है कि किसी को मैं गुनहगार ठहराना है, जेपीसी सच तक पहुंचने के लिए होती है और फ्यूचर के लिए रास्ता बनाने के लिए भी होती है। ये रास्ता तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के जो एक्सपर्ट्स हैं, और ये कहना बहुत गलत बात है कि एक्सपर्ट्स नहीं होते हैं, दो दो बार इस देश ने जेपीसी देखी है स्टॉक मार्केट को लेकर, उसके अंदर तमाम पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स थे, तमाम पेपर उनके सामने आए थे। और जेपीसी से सबसे बड़ी बात है कि कोई भी व्यक्ति जाकर अपनी गवाही दे सकता है, कोई भी व्यक्ति उनको इनपुट दे सकता है, उसमें तमाम पार्टी के लोग होते हैं, उसमें सच को छुपाना बहुत मुश्किल काम होता है, इसलिए हम जेपीसी मांग रहे हैं।